हेलो गाइस, दिस इज पुसुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की हेल्प से। तो गाइज, बने रहे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही मोर टेक्निकल टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस, जैसा कि हम मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और आने के बाद हमें सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ लॉक को ओपन करना है, अगर आपने लॉक लगाया हो तो। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हमें सिंपली व्हाट्सएप के स्टेटस में चले आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का स्टेटस वीडियो मिल जाएगा बहुत सारा। मुझ में अभी तीन ही वीडियो दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीन वीडियो भी लगाया हुआ है व्हाट्सएप पे अभी। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, बस आपको व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को व्यू करना है, बस सिर्फ व्यू करना है। तो हमें कोई एक सा व्यू कर लेते हैं, एक दो वीडियो को व्यू कर लेना है यहाँ पे। जैसे मैंने ये वीडियो को व्यू किया है, ठीक है, एक वीडियो को व्यू किया, फिर ये वीडियो को व्यू किया है। उसके बाद व्यू करने के बाद हमें सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हमें सीधे मैक्स प्लेयर में आना है। अपना मैक्स प्लेयर को ओपन करना है। मैक्स प्लेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। बता देता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए हम एक ऑप्शन दिखेगा, व्हाट्सएप स्टेटस सर्वर। इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी व्हाट्सएप पर वीडियो हमने देखा था, व्यू किया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें जो जो वीडियो को डाउनलोड करना है, गैलरी में सेव करना, उस पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड का एक आइकन बना होता है वीडियो पे, उस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देना है। जो जो वीडियो को आपने डाउनलोड करना है, जो जो वीडियो को आप सेव करना चाहते हैं, उस पे क्लिक कर देना है। तो हम किसी एक वीडियो को डाउनलोड करके बताते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अगर दूसरा हम वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये वीडियो, फॉर एग्जाम्पल, हम इस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं, तो देखने के बाद डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को। देखिए वीडियो ये चल रहा है, इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसको बंद करना है वीडियो को। बंद करने के बाद यहाँ पे आइकन दिखता है डाउनलोड का, ये, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा दोस्त, तो डाउनलोड हो जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से वीडियो डाउनलोड हुआ है। अभी हम करंटली दो वीडियो को सेव किए हैं, जो इस तरह का टिक दिख रहा होगा आपको। ये दो वीडियो को हमने सेव किया है, डाउनलोड किया है। तो अब हम देखते हैं सेव वाला ऑप्शन को क्लिक करके, यहाँ पे इस सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके हम देखते हैं कौन कौन से वीडियो डाउनलोड हुआ है। तो गाइज देखिए, एक मेरा पहले से वीडियो डाउनलोड हो चुका था, ये पहले वाला वीडियो है। और हमने अभी दो डाउनलोड किया है, वो ये है और ये है, ये और ये थ्री वाला, ये तो पहले से डाउनलोड था। तो गाइस देखते हैं ये वीडियो चलता है या नहीं चलता। गाइस ये वीडियो चल रहा है, पूरा चल रहा है वीडियो, मतलब कि वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो को हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, कहीं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यही था ट्रिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दे। तुम कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ा दे, गर्दा भाई का चैनल है तेरे भाई पुष्पम। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, आई होप यू लाइक इट। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिया, और ऐसे ही टेक्निकल टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।